अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। लॉकडाउन से भुखमरी के कगार पर सैलून चालक नाई वंचित बहुजन आघाड़ी ने उद्धव सरकार से की मंजूरी की मांग। सैलून और सड़कों पर दाढ़ी बाल काटकर रोजी रोटी कमाने वाले सैकड़ों नाई लंबे लॉकडाउन के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। कुछ शहरों में नाइयों ने आंदोलन भी शुरू कर दिया है। इस पर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर ने भी उद्धव सरकार को घेरते हुए कहा कि बड़े शॉपिंग मॉल और दुकानें खुलवा रही सरकार ने सैलूनों पर पाबंदी लगाकर नाभिक समाज को बर्बाद करने की ठान ली है। प्रकाश अंबेडकर ने सैलूनों को खोलने तत्काल मंजूरी देने की मांग की है। कोविड च्या निमित्ताने महाराष्ट्र बंद करण्यात आला, देशही बंद करण्यात आला, दुकानं चालू झाली नाहीत, लोकांना त्रास झाला। आता कुठे दुकानं उघडायची परमिशन देण्यात आलेली आहे, मॉल्स ओपन झाले, हॉटेल्स ओपन झाले, परंतु माहीत नाही का महाराष्ट्र शासनाने नाभिक समाजावरती अन्याय करायचा ठरवलेला आहे। आता ही नाभिक समाजाची दुकानं सलून्स हे उघडण्याची परवानगी दिलेली नाही, यामुळे नाभिक समाजावरती अन्याय आहे, उपासमार आहे आणि अनेक आर्थिक अडचणी आहेत। अनेक जणांनी कर्ज काढून दुकानं उभं केलेली आहेत, लोन फेडता येत नाही, 3 महिन्याचा हप्ते थांबलेले आहेत, ते कसे भरावेत, घर कसं चालावं, अशा विवेचनेमध्ये आहेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विनंती करण्यात येत आहे की फिजिकल डिस्टन्सिंगचा नॉर्म ठरवून आपण यांनाही सलून्स उघडण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती करण्यात येत आहे। बता दें कि नवीमबई और पनवेल मनपा क्षेत्र में तकरीबन 3500 सैलून और छोटी बड़ी नाई की दुकानें हैं। इनमें 20% बड़े सैलून और स्पा भी शामिल हैं, जो हजारों रुपए के भाड़े के ठिकानों पर चलाए जाते हैं। लॉकडाउन से जहां नाई संकट में है, वहीं दाढ़ी बाल कटवाने के इंतजार में पड़े नागरिक परेशानी में पड़ गए हैं। उम्मीद है सरकार जल्द इस पर निर्णय लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।